नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हरिजाना अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है माइक्रोमीटर। बेसिकली आप किसी इंडस्ट्री में या टूल रूम में वर्नियर यूज़ करते हो, लेकिन वर्नियर का जो लिस्ट काउंट है वो कितना है, 0.02 है। अभी जो माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट उससे थोड़ा प्रिसाइज है, मतलब 0.01 है। अभी लेटेस्ट मार्केट में एक माइक्रोन के भी माइक्रोमीटर आ चुके हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको मैं माइक्रोमीटर के टाइप्स क्या रहते हैं, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक माइक्रोमीटर और एक इनसाइड माइक्रोमीटर है। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये इनसाइड माइक्रोमीटर है। तो इसके यूज़ कहाँ पे होता है, इसके बॉडी पार्ट्स जो है इनका मेन फंक्शन क्या है, ये जो लॉक नट है ये लॉक नट क्या काम करता है, ये जो यहाँ पे टंगस्टन कार्बाइड के टिप्स है इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.02 mm। मोस्ट इंजीनियरिंग प्रिसीजन वर्क हैज़ टू बी मेजर टू मच ग्रेटर एक्यूरेसी दैन दिस, स्पेशली टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। अगर आपको इंटरचेंजेबिलिटी अचीव करना है तो आपको प्रिसाइज मेजरमेंट करना ही पड़ता है, तो ही आप क्या कर सकते हो, मास लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। माइक्रोमीटर के टाइप कौन कौन से है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये इनसाइड माइक्रोमीटर है। फिर उसके बाद आपका स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट में एक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर था, मतलब क्या, ये जो एनविल्स रहती है ये हॉलो रहती है और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मेल फीमेल जो थ्रेड्स का ये रहते हो एडजस्ट कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद डेप्थ गेज माइक्रोमीटर है, ऐसे चार टाइप है। अभी इसका देखा जाए कि बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, ये जो आपका माइक्रोमीटर है इसके अंदर क्या है, एक स्क्रू एंड नट अरेंजमेंट है जिससे आप क्या कर सकते हो, इसका इसका ऑपरेशन कर सकते हो, मतलब इसके आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। और इसमें क्या है, वी नो दैट व्हेन ए स्क्रू इज टर्न थ्रू नट थ्रू वन रिवॉल्यूशन इट एडवांस बाय वन पिच डिस्टेंस, मतलब क्या है, यहाँ पे एक नट एंड स्क्रू अरेंजमेंट है। अगर आप इसको एक रिवॉल्यूशन से रोटेट कर रहे हो तो क्या है, अंदर का जो आपका नट है वो क्या हो रहा है, एक पिच डिस्टेंस जो है उसका, पिच का तो पता है आपका, क्रेस्ट टू क्रेस्ट का जो डिस्टेंस रहता है उसको पिच कहते हैं। ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। अभी फिर इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट काउंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय द इंस्ट्रूमेंट, कि ऐसा एक मिनिमम डिस्टेंस है कि जो क्या कर सकते हो आप, वो जॉब से आप प्रिसाइजली मेजर कर सकते हो। अभी ये जो माइक्रोमीटर है इसके अंदर जो नट रहेगा उसका पिच कितना है, 0.5 mm का पिच है। और अगर आप ये जो उसका थिम्बल देखोगे, ये थिम्बल पे कितने टोटल रिवॉल्यूशन से देखो, यहाँ पे 0 है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और वापस 0 है यहाँ पे, मतलब ये टोटल 0 to 0 कितने ग्रेजुएशन है, यहाँ पे 50 ग्रेजुएशन है। अगर आप इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए ऐसा करोगे, LC इज इक्वल टू पिच कितना है इसका, 0.5 डिवाइडेड बाय 50 ग्रेजुएशन, तो इसका लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा आपको, 0.01 mm आ जाएगा। तो ये इसका लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला था। फिर इसके अभी जो मेन बॉडी पार्ट्स है वो बॉडी पार्ट्स कौन कौन से आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो फ्रेम है ये कौन से शेप में है, यू शेप में फ्रेम है ये। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक मटेरियल दिख रहा है दोनों साइड में, ये दोनों साइड में मटेरियल क्यों है, क्योंकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है इसको ट्रांसफ़र ना हो इसलिए इसका यूज़ है। और इसको पकड़ते टाइम आपको कैसे पकड़ना है, ऐसे मेजरमेंट करना है और आपके ये जो उंगली से आपको इसको ऐसे रोटेट करना है, ये ऐसे यू शेप है। फिर उसके बाद एनविल एंड स्पिंडल है, ये जो एनविल देख रहे हो आप ये फिक्स एनविल है यहाँ पे, और ये आपका स्पिंडल है, ये स्पिंडल आपका जैसे आप थिम्बल मूव करोगे वैसे आगे या पीछे जाता है। और इसके आगे आप देख रहे हो यहाँ पे एक अलग ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, वो क्या है आपका टंगस्टन कार्बाइड के टिप्स है। क्यों है वो टिप्स, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जॉब रखते हो तो ये क्या हो जाते हैं, वियर आउट हो जाते हैं। फिर वियर आउट होने के बाद आप ये चेंज करके वापस नए लगा सकते हो, आपको ये पूरा माइक्रोमीटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉक नट का क्या इंपॉर्टेंस है, कंसिडर करो मैंने यहाँ पे एक जॉब का मेजरमेंट लिया है और मुझको उसका रीडिंग लेना है, तो मैं क्या करूँगा, ये पोजिशन में अनलॉक रहेगा, ये पोजिशन में क्या कर दूँगा मैं इसको लॉक करके, ये फिर ये मूव नहीं होता है। देखो अभी ये ठीक है, मैं फोर्सफुली मूव कर रहा हूँ तो हो रहा है, लेकिन अगर इसको मैं अनलॉक करता हूँ तो ये क्या होता है, इजीली मूव हो रहा है, लेकिन वही अगर इसको मैं लॉक करता हूँ तो ये क्या होगा, देखो मूव नहीं हो रहा है, ये लॉक नट का यूज़ है। उसके बाद
थिम्बल है, आप देख सकते हो ये जो थिम्बल है, ये थिम्बल के ऊपर क्या है, यहाँ पे ग्रेजुएशन है और यहाँ पे नर्लिंग है। ये नर्लिंग क्यों है, आपके रोटेट करते टाइम आपका हाथ यहाँ से स्लिप ना हो, इसलिए यहाँ पे नर्लिंग है। बाद में यहाँ पे रैचेट है, ये रैचेट का क्या यूज़ है कि कंसिडर करो अभी आप एक मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ और फिर कंसिडर करो मेरा यहाँ पे एंड है, मैं यहाँ जब तक जॉब के नज़दीक में नहीं आता मैं तब तक क्या करूँगा, मैं थिम्बल से रोटेट करूँगा। जैसे जॉब के नज़दीक मेरा ये पॉइंट आता है तो मैं क्या करूँगा, रैचेट से मूव करूँगा। रैचेट से मूव करने के बाद ये क्या होता है, एक बार ये आवाज़ करता है, आवाज़ करेगा किट बोल के, तो आपको क्या करना है, रुकना है। मतलब रैचेट में अंदर एक मैकेनिज्म रहेगा। द रैचेट इज़ प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ थिम्बल, इट इज़ यूज टू अश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड टू प्रिवेंट टू मच प्रेशर बींग अप्लाइड टू द माइक्रोमीटर। वेन द स्पिंडल रिचेज नियर द वर्क सर्फेस टू बी मेजर, द ऑपरेटर यूजेज द रैचेट स्क्रू टू टाइटन द थिम्बल। ये ऐसे मेन है कि सारे जो मेजरमेंट है वो एक ही कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हो, इसलिए क्या है आपका ये रैचेट है। फिर अभी लिस्ट काउंट हो गया तो फिर इसका भी मेजरमेंट कैसे करते हैं, कंसिडर करो मैं यहाँ पर क्या कर, क्लियर है, अभी मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ, ये जो रेंज है इसका रेंज क्या है, 25 से लेके 50 mm का रेंज है और यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट लिखा है 0.01 mm। तो 25 से लेके यहाँ के आगे क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। और ये जो आपका मेन थिम्बल है, मतलब ये जो मेन स्लीव है, स्लीव के ऊपर कितना ग्रेजुएशन है देखो, 25 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, 25 के बाद नीचे यहाँ पे 0.5 का ग्रेजुएशन है, फिर ऊपर मतलब 25 यहाँ पे नीचे क्या है 25.5 है, फिर इसके ऊपर आप ऊपर 26 देखोगे, 26 के बाद यहाँ पे नीचे वापस 26.5, ऐसे ग्रेजुएशन है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल पहले रीडिंग ले लेता हूँ, आप देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे एक रीडिंग सेट किया है, 25 है, फिर यहाँ पे 30 है, 30 के बाद 31, 32, 33, 33 तक के लाइन टोटल क्लियर है आपके, ठीक है, मैं परपेंडिकुलर लगता हूँ आपको तो फिर आपको समझ में आएगा। तो 33 तक की लाइन क्लियर है, फिर उसके बाद नीचे जी 0.5 की लाइन है, मतलब ये रीडिंग कितना है देखो, अभी 33 मेन स्केल रीडिंग है आपका, प्लस यहाँ पे फिर नीचे 0.5 का लाइन जो है, 0.5 का लाइन के ऊपर है, मतलब ये अभी रीडिंग कितना है आपका, मेन स्केल रीडिंग 33.5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है आपका 0, ये 0 और ये जो लाइन है ये लाइन के साथ ये 0 मैच हो रहा है, मतलब ये कितना रीडिंग है 0 है, प्लस सॉरी मेन स्केल रीडिंग 33.5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 0 इंटू लिस्ट काउंट 0.01, तो आपका रीडिंग कितना आएगा 33.5 आएगा। सेम अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, अभी देखो मैंने ऐसे यहाँ पे रखा उसको, तो क्या है आपका 31, 32, 33, 33 का लाइन क्लियर है, उसके बाद 33 के बाद का नीचे का 0.5 का लाइन क्लियर है आपका, यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे बॉटम पे ये लाइन क्लियर है गया नहीं है, मतलब आपका रीडिंग क्या है 33 और 33.5 के बीच में रीडिंग है आपका, ये आपको याद आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि अभी रीडिंग मेरा 33 और 33.5 के बीच में है। तो कितना है मेरा रीडिंग, आपका मेन स्केल रीडिंग लिख लो आप 33 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है आपका, ये लाइन, ये जो लाइन है आपकी स्लीव के ऊपर की, ये लाइन कौन से लाइन से मैच हो रही है यहाँ पे, 35 पे मैच हो रही है, 35 इंटू 0.01 लिखना है, तो आपका रीडिंग कितना आएगा 33.035, बराबर है। वही कैलकुलेशन मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है TR मतलब टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू LC, मेन्स ये कितना था आपका 33 प्लस 35 का लाइन वो लाइन के साथ मैच हो रहा है इंटू 0.01। वही अगर सेम मैं क्या करूँगा, ये आपको अभी चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको, और क्या करूँगा इसको मैं ऐसे आगे लेके जाता हूँ, ठीक, अभी मैंने ऐसे किया इसको, तो अभी देख सकते हो आप क्या किया मैंने, क्लियर है, ये कागज़ बाजू में कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो अभी कि 30 का 33 का लाइन क्लियर है,
उसके बाद नीचे का जो 0.5 का लाइन है वो भी मुझको विजिबल है, मतलब मेरा जो रीडिंग है वो कितना है, 33.5 के आगे रीडिंग है मेरा, ठीक है। अगर ये जो नीचे का लाइन है, ये 0.5 का लाइन अगर मुझे क्लियर नहीं है तो मेरा रीडिंग क्या है, 33.5 के नीचे है। लेकिन ये लाइन अभी क्लियर है तो मेरा रीडिंग कितना है, 33.5 के आगे है। कैसे, अभी क्या करना पड़ेगा आपको, 33.5 मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 33.5 प्लस आपका वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है। देखो ये लाइन के साथ कौन सा लाइन मैच हो रहा है, 10 mm का लाइन मैच हो रहा है, सॉरी 10 का लाइन हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, 33.5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग को 10 लिखो इनटू लीस्ट काउंट 0.01 लिखो, तो ये कितना आएगा, 33 कितना आएगा। देखो आप उसका कैलकुलेशन करके, ये ऐसे था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी इसका यूज़ बताना भूल गया मैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं। कंसिडर करो मुझे इसका थिकनेस निकालना है। थिकनेस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में इसको ऐसे जॉ के बीच में इसको ऐसे पकड़ के मैं क्या करूँगा, इसका मेजरमेंट करूँगा। ऐसे इसके यूज़ होते हैं। फिर ये इनसाइड माइक्रोमीटर है, ये इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ यहाँ पे होगा। अगर कंसिडर करो मुझको क्या करना है, ये जो मेरा वर्क पीस है इसका इनसाइड डायमीटर चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इसको ऐसे इंसर्ट करूँगा। ऐसे इंसर्ट करके मैं इसका ये जो दोनों जॉज है, ये दोनों जॉज इसके ऐसे अंदर यहाँ पे ये होके मैं इसका रीडिंग ले लूँगा। ये इनसाइड माइक्रोमीटर था। थैंक यू।